अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग पिजन टिप्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? अभी दोस्तों सुबह का टाइम है और अभी बारिश नहीं आ रही है। दोस्तों अभी मैंने मेरे कुछ कबूतर खोला था पीठी वाले, क्योंकि मैं पीठी साफ कर रहा था। अभी आप देख सकते हैं बांस के ऊपर में 3 कबूतर बैठे हैं। तो दोस्तों कबूतर मेरे से बन नहीं उड़ते। अभी दोस्तों मैं पूरे पीठी वाले कबूतर खोलूँगा और दोस्तों आपको मेरे मुर्गी का बच्चा बताऊँगा कि मेरा मुर्गी का बच्चा कितना बड़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों इसी तो बहुत दिनों से मैंने आपको इसकी कोई अपडेट दिया नहीं, क्या मेरे यहाँ का मुर्गी का बच्चा कितना बड़ा हुआ है, कैसा है, पंग आई कि नहीं आई, पूछ आई कि नहीं आई। तो दोस्तों सारा कुछ वीडियो में रहेगा, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों सबसे पहले हम पेटी कवर हटक दोस्तों और कबूतर खोलते, फिर दोस्तों आपको मुर्गी का बच्चा दिखाऊंगा। और दोस्तों आज इसको हम रोटी भी खिलाएंगे। वैसे दोस्तों इसको बहुत दिनों से मैं कच्चे चावल खिला रहा था, मगर आज दोस्तों उसको मैं रोटी खिलाने वाला हूँ, रोटी एकदम बारीक करके। तो चलिए दोस्तों पहले हम पेटी कवर हटा दें और उसके बाद में दोस्तों हम कबूतर खोलते। कबूतर खोलने के बाद छत की साफ़ सफाई करते, फिर दोस्तों मैं आपको मुर्गी का बच्चा दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते स्टार्ट। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों बारिश नहीं आ रही है। वैसे दोस्तों कल बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही थी, तो मैंने कवर कर दिया था वीडियो को। आज मैंने मेरे दोस्तों लॉफ वाले कबूतर पहले खोला था, क्योंकि लॉफ दोस्तों हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो लॉफ को मैंने साफ़ कर दिया। और इधर के जो 3 पीटी थी, 3 पीटी को मैंने साफ़ कर दिया। बस 2 पीटी बची थी, ये वाली और ये वाली, तो इसको साफ़ नहीं करा था दोस्तों मैंने भी। तो अभी हम इसके कवर हटाते, कबूतर खोलते। तो दोस्तों देखिए आप, अभी पेठी वाले कबूतर खोल लिया मैंने और लॉफ वाले कबूतर भी खोल लिया। और माशाल्लाह दोस्तों देखिए आप, यह है हमारा मुर्गी का बच्चा जिसको दोस्तों पंग आ चुके हैं। और ये किसी भी कबूतर के पीछे दौड़ते रहता है, किसी भी कबूतर से दाना मांगते रहता है। ये देखिए आप, आपको और करीब से दिखाता मैं थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, इसकी पूंछ भी आ गई और पर भी आ गए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना बच्चा कैसा लगा आपको ये। दोस्तों बस इतनी इतनी पूंछ है इसकी और बस थोड़े बहुत पर आए। ये देखिए आप, प्ले। ये देखिए आप, ये किसी भी कबूतर के पीछे दौड़ते रहता है एकदम। दोस्तों बहुत ही प्यारा बच्चा एकदम, ये पूरा वाइट बनेगा मेरे हिसाब से। और आज सुबह दोस्तों मैंने मेरा पिजन लॉफ साफ करा। ये देखिए आप, पूरा लॉफ को क्लीन कर दिया एकदम और अलग तरीके से थोड़ा पत्थर को जमा यहाँ पे। दोस्तों बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था एकदम ये, तो इसको पूरा क्लीन कर लिया मैंने। अभी दोस्तों मैंने कबूतर को दाना पानी कुछ भी नहीं डाला। अभी दोस्तों मैं कबूतर को रोटी खिलाऊंगा और देखना दोस्तों आप हमारा मुर्गी का बच्चा कबूतर में किस तरीके से रोटी खाता है एकदम। तो दोस्तों अभी नीचे से रोटी लेके आता मैं और रोटी डालती कबूतर को। ये देखिए आप किस तरीके से दौड़ रहा कबूतर के पीछे में। और ये लेके आया मैं रोटी, इसको यहाँ पे तोड़ते। और जब मैं दोस्तों कबूतर को डालूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों रोटी मैंने बारीक कर लिया और आपको और एक चीज़ दिखाना था। ये देखिए आप, ये हमारे लकवे वाला कबूतर है, ये वाला हो गया और ये फेंटिल मादी होगी। दोस्तों इनको मैंने छत के ऊपर में छोड़ दिया इन कबूतर में कल से। दोस्तों कल रात से ये इन्हीं कबूतर में एकदम। तो चलिए दोस्तों अभी डालते कबूतर को। देखिए दोस्तों सबसे पीछे हमारा मुर्गी का बच्चा है जो कि दोस्तों रोटी के टुकड़े को लेके भाग रहा है एकदम। ये देखिए आप, इसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है और इसको किस तरीके से ले लेके भाग रहा। और ये हमारी फेंटिल मादी है लकवे वाली जो कि दोस्तों ठीक हो चुकी है। और ये वाला कबूतर भी पूरा ठीक हो चुका है, इसलिए दोस्तों इनको मैंने इनके जो कबूतर है उनके साथ में छोड़ दिया जो इनका जोड़ा लगा था। दोस्तों
जैसे उसको उसकी पांजी के साथ में छोड़ दिया और इसको उसके नर के साथ में छोड़ दिया। और ये अपना मुर्गी का बच्चा रोटी के टुकड़े को देखिए किस तरीके से ले रहा है एकदम। वैसे तो आपके ख़त्म होगी और रोटी डालती हम थोड़ी। देखिए दोस्तों जैसी आवाज़ लगा था उसको मैं कैसे आता। और दोस्तों जो रोटी का बड़ा टुकड़ा है उसको लेके भाग रहा है एकदम ये। दोस्तों एकदम बड़े तरीके से यहाँ पे रोटी खा रहा है। देखिए दोस्तों इसका जो पेट है हल्का हल्का निकल गया एकदम, मतलब इसने पेट भर के दाना पानी खा लिया। तो दोस्तों कबूतर में हमारा मुर्गी का बच्चा एकदम अच्छे तरीके से है और उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही। वैसे दोस्तों कभी कभार मैं बारिश नहीं आती दो टाइम खोल लेता कबूतर को, और बारिश आती है तो एक टाइम खोल लेता। और ये दोस्तों आवाज़ भी नहीं करता इनके साथ रहता तो। ले 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 ले। और दोस्तों जो इसके माँ बाप है इसके माँ बाप भी इसको मारते ही नहीं, मतलब परेशान नहीं करते कोई भी चीज़ में। अभी दोस्तों हमारा मुर्गी का बच्चा इतना बड़ा हुआ है, धीरे धीरे और बड़ा होगा एकदम। ये भी डाल देते हैं हम थोड़ी सी। ले देखिए उधर गए अभी, वहाँ डालते हैं थोड़ी। दोस्तों एकदम जब इसका पेट भर जाता तो ये वाली पीठी के नीचे जाके घुस जाता, और जब दोस्तों बाकी कबूतर बंद कर लेता मैं तो इसके जो माँ बाप है जैसे ये नर और ये मादी इसके माँ बाप है तो इसके साथ में इनको छोड़ देता मैं बराबर। दोस्तों ये दोनों इस बच्चे को लेके बढ़ जाते। एक मिनट को पकड़ता हूँ, ये देखिए आप माशाल्लाह दोस्तों वाइट कलर का बच्चा है हमारे मुर्गी का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। ये देखिए आप। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आज की वीडियो को हम एंड करते। आज आप भाइयों को बताना था हमारे घर का मुर्गी का बच्चा मतलब कितना बड़ा हुआ, क्या उसकी अपडेट थी। उम्मीद है भाइयों को वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी तक के आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।